हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का व्लॉग इसलिए स्पेशल होने वाला है कि हमारे मतलब आज हम आए हैं जीती भाई के डेयरी फार्म पे। तो ये इनका डेयरी फार्म है, तो हमारे मतलब आसपास में 5 किलोमीटर के एरिया में, तो हम हमारे गांव से ये दूर है 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर एरिया में तो मतलब कोई ऐसा डेयरी फार्म नहीं है इसके मुकाबले। ये बहुत ही अच्छा डेयरी फार्म है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8, तो 8 बजे यहाँ पे मतलब इनके मिल्किंग लेट करते हैं, तो 8 बजे से स्टार्ट होती है मिल्किंग करना, तो 10 बजे तक करते हैं। तो उधर मिल्किंग कर रहे हैं भैया और उनके पापा, तो चलते हैं देखते हैं। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है, तो आप एंड तक जरूर देखना। तो उधर कर रहे हैं, और ये इनके अंदर ये सभी पशु है इनके मतलब अधिकतर, तो ये मतलब यहाँ पे 30 पशु है टोटल, ये तो 30 में से 2-3 भैंस हैं, बाकी सभी गायें हैं गिर ग्रोस नस्ल की और एचर नस्ल की। तो चलो आप इसकी मिल्किंग करते हैं दोनों ओर से। और भाई साहब बजे तो गाया को सरल ले रहा है।
अरे अरे चमक जाएगा, इतना मारना। वो एक क्या है बॉडी में पापा थे कंडो चीजें दही के साथ में खत्म होते एन गैर मतलब सोनन गैर पापा दूध काटे जी हंडी खत्म है तो ही दूध हंडी मतलब निकाल निकाल दो पिंक का मुंह तेरा गाड़ने आ जा ये कौन अंदर पे गए रोज दौड़े एक तो हो गई इसकी मिर्ची और इसके कचड़ी को छोड़ दिया दूध पीने के लिए। इसने भी 10 लीटर दूध दिया है और अब दूसरी का मिल्किंग करते हैं दूसरी गाय की। या थोड़ी गड्ढा होगा या थोड़ी गड्ढा वो प्रेग्नेंट है तो फ्रेंड्स ये जेती भाई का खेत है इनके डेयरी फार्म के पास में ही। तो यहाँ पे ये मेथी बो रखी है तो इधर पूरी मतलब ये जमीन इन्होंने नई खरीदी है तो इसमें भी बो दी है और इधर ये इनकी खुद की जमीन है डेयरी फार्म के पास में ही है। तो उधर वो दिख रहा है वो फार्म है इनका, उधर चलते हैं। ये धान बार रखा है जो इसको बोलते हैं जो, और ये इधर कासमी है ये पूरे में कासमी बो रखी है। और उधर वो है जेती भाई जेती भाई निरीक्षण कर रहे हैं अपने खेत का। तो फ्रेंड्स और आगे चलते हैं दिखाते हैं आपको जेती भाई का फार्म। और ये इन्होंने प्याज बो रखे हैं, प्याज और लहसुन लहसुन की खेती है ये। लहसुन है या प्याज? लहसुन, ये लहसुन है पूरे में ऐसे होते हैं। आपने भी कभी नहीं देखा हो तो देख लो लहसुन ऐसे होते हैं लहसुन के पौधे। ये बैंगन, बैंगन ये बैंगन है जो सीली लग गई है इनके। और ये अमरूद का पौधा है जम्पल। हाँ जम्पल जम्पल जम्पल। बहुत तेज बारिश आ रही है तो बारिश और बिजली और इधर सभी गाय बैठी है। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग बहुत ही शानदार है और स्पेशल है और आज का व्लॉग अलग है क्योंकि आज के व्लॉग में फर्स्ट बार मतलब सर्दियों में देख लूँ बारिश हो रही है। तो सर्दियों में भी इतनी तेज बारिश अब की बार फर्स्ट बार है जो मतलब सर्दियों में भी इतनी तेज बारिश आ रही है। तो देखो कितनी तेज आ रही है बारिश, मतलब रात के 1 बजे से मतलब बारिश आना स्टार्ट हुआ जो अभी पूरा दिन हो गया बारिश आ रही है। अभी 1 बज रहे हैं दोपहर के, तो 7-8 घंटे हो गए लगातार बारिश आ रही है। बीच में
थोड़ी सी धूप भी निकली थी पर वापस मौसम खराब हो गया और वापस बारिश आना स्टार्ट हो गई। काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है, बिजली मतलब कड़कड़ाहट करती बिजली भी पड़ रही है।